बीएसपी प्रबंधन 6 महीने पहले शुरू किए गए क्यूआर कोड को लेकर 19 जून से सख्ती करने जा रही है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। क्यूआर कोड लगाने का उद्देश्य ये है कि प्लांट के अंदर रोड सेफ्टी के लिए असुरक्षित तरीके से वाहन चलाने वालों की जांच की जाती है एवं अलग अलग कैमरों से निगरानी भी की जाती है। ये देखा गया है कि कई बार गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जिसके कारण वाहन चालक का पता नहीं लग पाता है। इस तरह की जाँच के बाद प्लांट अंदर सड़क हादसों में 1/3 तक की कमी आई है। इसे अब शून्य पर ला सकते हैं। क्यूआर कोड एक तरीके का पास है और जो भिलाई स्टील प्लांट में व्हीकल अंदर जाते हैं, वो व्हीकल जाने के लिए उसकी सारी डाटा, उसके एंट्री ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉइज की, तो उसका एक पास है और वो पास का एक तरीका है। ये देखिए, ये नीचे क्यूआर कोड है और उसके ऊपर उस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल है। तो ये बार बार पास बनवाना या इन्फॉर्मेशन को नोट करना या उस मांगना, उसके बदले में ये बना हुआ है और आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, तो उससे कोई भी व्हीकल को जाने में आसानी होगी और जो वहाँ पे सुरक्षा अधिकारी हैं वो फट से उसको देख लेंगे। नहीं देखिए, इसकी तो व्यवस्था पूरी करने के बाद ही ये लागू किया जा रहा है, नहीं तो अन्यथा ऐसा काम कोई ना करेगा मैनेजमेंट। देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है 19 से लागू कर दिया जाए, पर यह है कि किसी कारणवश किसी को असुविधा होती है तो उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा।